मजदूर दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर टीकमगढ़ आईजी खलको को श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशन में जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रघुवीर सहाय पस्तौर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकार भवन की डीड, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास खाली करवाने की समय सीमा हो, त्रिपक्षीय कमेटी शीघ्र गठित हो, श्रम विभाग के सहयोग से कमेटियां बने, संभाग व जिला स्तर पर प्रकोष्ठ बनाए जाएं, बेगारी प्रथा पर रोक लगे, इसी प्रकार के 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में आर एस चतुर्वेदी, राजीव रावत, वीरेंद्र त्रिपाठी सहित एक बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। कक्कू, आज मजदूर दिवस पर ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है, क्या मांग की गई है, बताएं। आज मजदूर दिवस के अवसर पर प्रांता श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया जी के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 सूत्रीय पत्रकारों के हितार्थ ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकारों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं शासन की तरफ से देना चाहिए, और उसमें मुख्य रूप से बीमा का है, पत्रकारों का बीमा किया जाए, तहसील स्तर पर अधिमानता की सरलीकरण किया जाए, अन्य इस प्रकार से 21 मांगों का वो दिया गया है। वो आज कलेक्टर महोदय के लिए सभी लोगों ने पत्रकार संघ में दिया है, वो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम दिया है और वो मुख्यमंत्री जी प्रेषित करेंगे। मुख्यमंत्री जी से, शिवराज सिंह जी से श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यही मांग की है कि पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और बीमा के साथ साथ जितने भी सुविधाएं हैं पत्रकारों के हितार्थ वो की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।